फाइन, माय नेम इज दीपाली एंड आई एम एन ACCA. तो हमने प्रीवियस क्लासेस में एज पर कापलान चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 कवर किया था. तो चैप्टर 3 और 4, 5 में क्या था बेसिकली, उसमें थी जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज करी थी हमने, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज करी थी अकाउंटिंग की. और फिर चैप्टर 5 में हमने सेल्स टैक्स किया था, डिस्काउंट किया था और रिटर्न्स किए थे. और इनकी जर्नल एंट्रीज और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने किए थे. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्लास में हम पढ़ेंगे लेजर अकाउंट्स के बारे में. लेजर और जर्नल एंट्रीज ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं अकाउंटिंग के. सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेजर अकाउंट्स. अब लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं? सो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस एंटिटी में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो परचेज का हो, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो एसेट परचेज किया हो या डेप्रिसिएशन हो, रिटर्न्स हो, डिस्काउंट्स हो, तो हर ट्रांजैक्शन की सबसे पहले क्या होती है, एक जर्नल एंट्री होती है. क्या होती है? जर्नल एंट्री. ये जो जर्नल होती एंट्री होती है ये रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में जाती है. कहाँ हिट करती है? रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में हिट करती है. तो अब लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं, चलो अभी पढ़ते हैं अपन. ठीक है, अब लेजर अकाउंट, जैसे लेट सपोज मैंने कुछ परचेज किया, परचेज ऑन क्रेडिट. फ्रॉम एक्स वाई जेड सप्लायर. तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? डेबिट परचेजेस. अमाउंट भी लिख लेते हैं. चलो फर्स्ट फेब को परचेज किया और परचेज किया $1,000 का. सो डेबिट परचेजेस $1,000 और क्रेडिट क्या होगा? एक्स वाई जेड सप्लायर क्रेडिट पे परचेज किया है $1,000. फर्स्ट फेब को किया तो यहां पे डेट कॉलम में फर्स्ट फेब आ जाएगा. ओके, अब ये तो जर्नल एंट्री थी. ये क्या थी? जर्नल एंट्री. ठीक है, अब ये कहां जाएगी? सेकेंड स्टेप होता है, ये तो फर्स्ट स्टेप था. अब ये जाएगी लेजर्स में, रेस्पेक्टिव लेजर्स में जाएगी. ठीक है, तो लेजर क्या होता है, लेजर का फॉर्मेट क्या होता है? वो एक टी फॉर्मेट में होती है. ये एक टी फॉर्मेट हो गया. ठीक है, लेजर में हर अकाउंट का एक सेपरेट लेजर होता है. फिर परचेजेस का अलग होगा, एक्स वाई जेड सप्लायर का अलग होगा. मतलब लेट सपोज पेबल्स है, मतलब सप्लायर्स है जो हमारे, अब बहुत सारे सप्लायर हैं, ABC सप्लायर, एक्स वाई जेड सप्लायर, NMC सप्लायर, लेकर सप्लायर, ये सब हमारे खूब सारे सप्लायर्स हैं. तो हर सप्लायर का एक सेपरेट लेजर अकाउंट होगा. ऐसे ही रिसीवेबल्स का होगा, ऐसे ही एसेट्स का होगा, ऐसे ही डेप्रिसिएशन का होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का होगा. तो जो भी अकाउंट होते हैं ना, हर अकाउंट का, हर एक्सपेंस का एक सेपरेट लेजर होगा. रेंट का अलग होगा, सैलरी का अलग होगा, वेजेस का अलग होगा, पावर एंड फ्यूल का अलग होगा, एसेट्स में मोटर व्हीकल्स का अलग होगा, प्रॉपर्टी, लैंड एंड प्रॉपर्टीज का अलग होगा. तो हर लेजर, हर अकाउंट का एक सेपरेट लेजर होता है. तो लेजर किस फॉर्मेट में होता है? टी फॉर्मेट में होता है. लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट आता है और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट आता है और ऊपर लेजर का नाम लिखा हुआ होगा. तो अभी हमने जो एंट्री पढ़ी वो कौन सी थी? परचेजेस. सो ये होगा परचेजेस अकाउंट. ठीक है, अब यहां पे इस पर्टिकुलर एंट्री में परचेज क्या हुआ है? डेबिट हुआ है. सो बेसिकली फॉर्मेट क्या रहता है? ये फॉर्मेट होता है. यहां आएगी डेट, यहां होगा नरेटिव और यहां होगा अमाउंट. सेम चीज इधर भी होगी, डेट, नरेटिव और अमाउंट. ठीक है,
अब परचेज क्या हुआ, 1000 से डेबिट हुआ, बट रीजन क्या है और कब हुआ, फर्स्ट फेब को हुआ, क्योंकि हमने एक्स वाई जेड से सप्लायर से परचेज किया, तो डेबिट नरेटिव में आएगा एक्स वाई जेड सप्लायर और इधर आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, ऐसे ही एक्स वाई जेड सप्लायर की उसमें उसमें क्या होगा, ऐसे ही एक्स वाई जेड सप्लायर के लेजर में क्या जाएगा, ऊपर होगा एक्स वाई जेड सप्लायर डेबिट क्रेडिट डेट नैरेटिव अमाउंट डेट नैरेटिव अमाउंट। ठीक है, अब नहीं, अच्छा अब एंट्री क्या थी, एंट्री थी परचेज हो रहा था डेबिट और क्रेडिट हो रहा था एक्स वाई जेड सप्लायर। सो ये जो एक्स वाई जेड सप्लायर है ना यहाँ पे, क्योंकि वो क्रेडिट हो रहा है तो फर्स्ट फेब को, रीजन क्या था, परचेजेस, तो इधर रीजन आएगा परचेजेस और अमाउंट आएगा 1000। ठीक है, सो ये होते हैं लेजर अकाउंट्स। अब लेजर अकाउंट्स में क्या होते हैं, अब एक चीज आपको समझनी है, एक अकाउंटिंग पीरियड है, चलो हम मान लेते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड है, फर्स्ट जैन 2020 टू 31 दिसंबर 2020। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि जरूरी नहीं है अकाउंटिंग पीरियड जैन टू दिसंबर हो, कैलेंडर ईयर हो, नहीं, वो अप्रैल टू मार्च हो सकता है, वो जुलाई टू जून हो सकता है, वो अक्टूबर टू सितंबर हो सकता है। ठीक है, अब अभी हमने जैन टू दिसंबर लिया है। अब देखो पांच मेजर टाइप्स के अकाउंट होते हैं, जो मेन क्लासिफिकेशन बोले ना अकाउंट्स के, वो पांच होते हैं, एसेट्स, सेकेंड इज लाइबिलिटीज, थर्ड इज कैपिटल, फोर्थ इज एक्सपेंस एंड फिफ्थ इज इनकम। अब एक्सपेंस और इनकम ये जो अकाउंट्स होते हैं ना, अब लास्ट में जाके अल्टीमेट पर्पस क्या होता है अकाउंटिंग का, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, किसके लिए प्रिपेयर करने हैं, फॉर द यूजर्स ऑफ दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रेजेंट करते हैं, इसमें दो तीन चीजें होती हैं, तीन चार चीजें मेन होती हैं, एक तो होता है, फर्स्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, थर्ड होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश फ्लो। फिर एक फोर्थ होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी, जिसको बोलते हैं सॉसी। ठीक है, और एक फिफ्थ होता है नोट्स टू द अकाउंट्स। तो जो हमारे फाइनेंशियल चेंजेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो इन पांचों को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, ये पांच तरीके के, चार तरीके के तो स्टेटमेंट्स हो गए, और एक होता है नोट्स टू द अकाउंट्स। नोट्स टू द अकाउंट्स में सारे शेड्यूल्स वगैरह और डिस्क्लोजर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस और इनकम की। तो एक्सपेंसेस और इनकम कहाँ जाते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, किस में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, प्रॉफिट, पी एंड एल को प्रॉफिट एंड लॉस, इस वाले स्टेटमेंट में जाते हैं।
ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम्स। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी इनकम्स हुई हैं माइनस जितनी भी इनकम्स हुई हैं और जितनी भी एक्सपेंसेस हुई हैं, ये सबको मिलाकर हमें क्या मिलता है, या तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। ठीक है, सो एक्सपेंसेस एंड इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम्स अकाउंट कहाँ जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। जबकि एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, और कैपिटल को इक्विटी भी बोल सकते हैं, इक्विटी, ये तीनों कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ, कहाँ जाते हैं ये, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। कहाँ जाते हैं ये, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में जाते हैं। तो ये क्या बताता है हमको, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, ये हमें बताता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में, इन वन अकाउंटिंग पीरियड में एसेट की पोजिशन क्या है, एसेट सॉरी किसी भी एंटिटी के एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजिशन क्या है, किसी भी एंटिटी की एसेट्स और लाइबिलिटी की पोजिशन क्या है, राइट, एसेट्स और लाइबिलिटी की पोजिशन क्या है, वो ये बताता है हमें। भाई एक हमारी बिल्डिंग है, तो आज वो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, आज हमारे लोन की वैल्यू कितनी है, आज हमारे इक्विटी की वैल्यू कितनी है एक साल में, ठीक है। तो और जो एक्सपेंसेस और इनकम बताता है ना, वो तो ये बताता है कि एक साल खत्म होने पे, एक साल जब खत्म हो जाता है तो एक एंटिटी ने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, एक्सपेंसेस और इनकम तो ये बताता है, ठीक है, कितनी उसने इनकम जनरेट करी और कितनी उसने कितना उसने एक्सपेंसेस इनकर किया और उससे उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। जबकि एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल वो पोजिशन बताता है। भाई अगर हम इसको ऐसे समझें, आज आपके पास एक घर है, ठीक है, आप, आपके पापा एक मंथली इनकम अर्न करते हैं, या आप कोई एक मंथली इनकम अर्न करते हैं, या आपका कोई बिजनेस है, तो उससे आपको जितनी भी इनकम आती है और जितने भी आपकी एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है, कितने भी जितनी भी आपकी इनकम आती है और आपके कितने भी घर के खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस, तो वो करने के बाद पता चल जाता है ना कि यार आपके पापा को हर महीने के बाद कितना बचता है घर में। सिर्फ हम घर के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, घर में हम अकाउंटिंग नहीं करते, बट सिर्फ समझाने के पर्पस में आपको बता रही हूँ। बट आपका जो घर है, घर की तो कोई अलग वैल्यू होगी ना, लेट्स सपोज आपके पास दो घर है तो आपके घर की कोई अलग वैल्यू होगी, राइट। मान लो इसमें से एक घर है आपका 80 लाख का और एक घर है आपका 20 लाख का, 30 लाख का, तो आपका टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 1 करोड़ 10 लाख्स, राइट। और मान लो इसमें से आपने एक प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है तो उससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही एसेट, लाइबिलिटी, और मान लो आपके पास एक बैंक का लोन है, आपके पापा ने अपना पर्सनल लोन ले रखा है, तो वो आपके पापा की लाइबिलिटी हो गई, राइट। तो आप क्या बोलोगे भाई, एक पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे 150 लाख का लोन है, सो 101 करोड़ 10 लाख की एसेट जो आपकी है, उसमें से माइनस कर दो आपका 50 लाख का लोन, कितना होता है 60 लाख। सो बेसिकली आज आपके पास कितना पैसा है, 60 लाख है। जो महीने की इनकम आ रही है, खर्चे आ रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन 60 लाख आपके पास, 60 लाख की प्रॉपर्टीज है, राइट। तो अगर आपके पापा मार्केट में लैंड बेचने जाएंगे तो अपना 50 लाख का लोन उतारने के बाद उनके हाथ में कितना बचेगा, 60 लाख बचेगा। तो ये समझना है हमें। तो ऐसे ही बिजनेस में एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये कहाँ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में। ये हमें बिजनेस की पोजिशन बताता है कि बिजनेस के पास कितना एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है, ओके। अब यहाँ पे समझना क्या है आपको, जो इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं ना, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स, मान लीजिए आपका एक एक्सपेंस अकाउंट है रेंट, डेबिट क्रेडिट, आपका हर महीने रेंट जाता है, रेंट पे करते हो आप हर महीने, डेबिट रेंट क्रेडिट कैश 1000 का, तो डेबिट होता है रेंट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हर महीने आप पे करते हो मंथ एंड पे, सो 31 जान को आप क्या लिखोगे, कैश पेड इन कैश 1000,
28 फेब को लिखोगे 1000, फिर आएगा 31 मार्च 1000, 30 अप्रैल 1000, ऐसे ही मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद ये कितना हो जाएगा, टोटल 12000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 12000 ये आपका पूरा लेजर मेंटेन करेगा साल भर के लिए। ठीक है, अब ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रोज नहीं बनते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर एंड पे बनते हैं, मतलब एनुअली बनते हैं, मंथली भी बन सकते हैं। तो जो मंथली बनते हैं उनको MIS बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, MIS बोलते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ये सारे 12 महीने के MIS को ऐड करके उसमें जितने भी एडजस्टमेंट्स वगैरह करते हैं उसके बाद फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। अच्छा, अब ये 1000 1000 1000 1000 1000 ऐड करके क्या आ जाता है, 12000 आ जाता है। क्या हो जाता है, अच्छा MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, अब ये जो 12000 है ना, अब ये 12000 ईयर एंड पे 31 दिसंबर को कहाँ जाएगा, 31 दिसंबर को, या अगर आप मंथली बना रहे हो तो उस मंथ के एंड में ये कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला जाएगा। तो आप इधर लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L 12000 और ये हो जाएगा यहाँ पे दोनों बैलेंस। ठीक है, ये होता है ऐसा इनकम्स और एक्सपेंसेस के केस में। ठीक है, अब ये जो 12000 है ना, तो एक्सपेंसेस और इनकम के साथ क्या होता है, मंथ एंड पे या ईयर एंड पे या एनुअली जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो अपने पर्टिकुलर स्टेटमेंट में चला जाता है, तो ये बैलेंस हो जाता है। तो लेजर्स को हमेशा ईयर एंड पे बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो इनकम्स और एक्सपेंसेस के केस में तो कहां जाता है, वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला जाता है। कहां जाता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। फिर क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L जब बनता है तो वहां पे इनकम्स होती हैं, एक्सपेंसेस होती हैं, तो ये एक्सपेंस उठ के यहाँ आ जाएगा, अलग 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 जितनी भी एक्सपेंसेस हो जाएंगी सबका अमाउंट आ जाएगा। जैसे ये रेंट का 12000 था, सैलरी का मान लो 8000 है, वेजेस का मान लो 15000 है, सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इधर इनकम्स के टोटल आ जाएंगे, इधर एक्सपेंसेस के टोटल आ जाएंगे, इधर नीचे लास्ट में प्रॉफिट आ जाएगा, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। तो अभी हम पूरा स्टेटमेंट का प्रॉपर फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से एक इनिशियल ओवरव्यू दे रही हूँ, वरना काफी प्रॉपर फॉर्मेट होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L का और ऐसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, लेकिन सिर्फ लेजर को समझाने के लिए मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाता है और फिर हम इसको बैलेंस कर देते हैं। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट ईयर में, ये तो 31 दिसंबर को हुआ, 31 दिसंबर को हुआ, 31 दिसंबर 2020 में ये हो गया। तो अब इसका मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए कोई एक्सपेंस नहीं है। ओके, लेकिन ये तो होता है इनकम्स और एक्सपेंसेस का केस। अब एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल के केस में क्या होगा, एसेट लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंस। मान लो मैंने बिजनेस शुरू किया है 1 जनवरी, शुरू ही मैंने अभी किया है 2020 में। ठीक है, तो अब 31 दिसंबर 2020 में क्या होगा, ये हम लेजर अकाउंट बना लेते हैं एक एसेट का। हमने एक एसेट मान लेते हैं, हम कौन सी माने, लेट्स सपोज हमने एक मोटर व्हीकल परचेज किया, डेबिट क्रेडिट। तो जब हमने इनिशियली मोटर व्हीकल हमने परचेज किया था 1 जनवरी को, कैश में परचेज किया था $15,000 के लिए। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द ईयर हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ओके, तो डेप्रिसिएशन वगैरह हुआ, मान लो हमने कुछ इस पे कुछ एक्सपेंसेस वगैरह और इनकर करे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 15000 की मैंने परचेज करी, लेट्स सपोज मैंने इस पे मैंने कुछ और खर्चा भी किया, कुछ मैंने अपने मोटर व्हीकल में, लेट्स सपोज कोई इसका इंजन कुछ था वो मैंने इसका रिप्लेस कर दिया 2000 से। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी डोंट वरी, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं आपको। तो ये 15000 और 2000 कितने हो गए, 17000। तो अब आज मेरे मोटर व्हीकल की वैल्यू 31 दिसंबर 2020 में मोटर व्हीकल की वैल्यू कितनी है,
17,000 है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 जनवरी 2021 में मैंने बेचा नहीं है मोटर व्हीकल, साल भर यूज किया है और आगे भी मैं उसको यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2021 में क्या होती है, 17,000 है। तो अब ये 17,000 हम लेजो में कैसे दिखाते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड। क्या लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड 31st, ये मैंने ड्यूरिंग द ईयर खर्चा किया था, 1 जनवरी को मैंने परचेज करी, 1 जून को मैंने 2,000 का खर्चा किया, 31 दिसंबर को मैं ये 17,000 की जो वैल्यू है ये कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। अब ये 17,000 को मैं पहले बैलेंस करूंगी यहाँ पे, ठीक है, और नए साल में 1 जनवरी 2021 में, ये तो 2020 था, ये खर्चा मैंने 2020 में किया, ये 31 दिसंबर 2021, अब 1 जनवरी 2021 में मैं यहाँ पे लिखूंगी ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना, 17,000। तो हर एसेट और लाइबिलिटी के साथ ये करना पड़ता है, कितना, हर एसेट और लाइबिलिटी के साथ क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और 1 तारीख को, 1 जनवरी को या 1st डे ऑफ दैट न्यू अकाउंटिंग पीरियड, उसमें आप लिखोगे 1 जनवरी 2021 17,000 ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और उस अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट डेट पे क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। ये सब आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, इतना डिटेल में आपकी बुक्स में एक्सप्लेन नहीं है, कैपलान में एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं और। ओके, सो लेजर अकाउंट्स, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आफ्टर रिकॉर्डिंग इन रेस्पेक्टिव डे बुक्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती है, वहां जाते हैं, ठीक है, वहां से इसके बाद ये कहां जाते हैं, रिस्पेक्टिव लेजर्स में जाते हैं, आर इवेंचुअली रिकॉर्डेड इन द रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स यूजिंग अ डबल एंट्री टू रिफ्लेक्ट द ड्यूअलिटी कंसेप्ट एक्सप्लेन्ड प्रीवियसली, ठीक है। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा अब आपको कि हर एंट्री के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, फिर वो रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में जाते हैं। एक बार एंट्री पास हो जाती है इन द रेस्पेक्टिव डे बुक्स, वो रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में जाते हैं। There is a ledger account for each asset, liability, equity, income and expense item. Traditionally, each account was drawn as an enlarged T that has two sides, a debit and a credit. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। Date, narrative amount. एक side debit का है और एक side credit का है. Okay. अब summary of steps. टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाई द लेजर अकाउंट दैट आर अफेक्टेड। तो एंट्री में कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, जैसे अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या लिया था अपन ने, परचेजेस, और क्रेडिट क्या हुआ था अपना, एक्स वाई जेड सप्लायर। सो कौन से दो लेजर अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो परचेज का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और दूसरा हमारे ट्रेड पेबल्स का, ठीक है। तो एक्स वाई जेड सप्लायर, कंसिडर वेदर द अकाउंट बैलेंसेज आर बींग इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे एक्स वाई जेड सप्लायर था, सो एक्स वाई जेड सप्लायर में क्योंकि हमने उसको क्रेडिट किया था तो वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, परचेजेस किया था, परचेजेस की वजह से इंक्रीज हो रहा था। डिसाइड वेदर ईच अकाउंट शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, चेक दैट अ डेबिट एंट्री एंड अ क्रेडिट एंट्री हैव बीन मेड एंड दे बोथ आर फॉर द सेम अमाउंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जब अपन जर्नल एंट्री करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि डेबिट्स और क्रेडिट्स इक्वल है। तो दो डेबिट्स है मान लो और एक क्रेडिट है, तो इन दोनों का सम टोटल जो है वो इक्वल होना चाहिए इस क्रेडिट के। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि हमेशा दो डेबिट्स हो, दो क्रेडिट्स भी हो सकते हैं। सो इन दोनों के क्रेडिट्स का जो टोटल है वो इस डेबिट के इक्वल होना चाहिए, और ये वैसे ही है, जैसे ये है वैसे ही वो अपने रिस्पेक्टिव लेजर्स में जाएंगे। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, बेसिकली जो ये लेजर अकाउंट के बारे में है, इट इज गिवन इन चैप्टर 3 ऑफ कापलान, लेकिन ये मैंने आपको पूरी जर्नल एंट्रीज बताने के बाद किया है, ये टॉपिक मैंने इसके बाद छेड़ा है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, जो चैप्टर 3, 4 और 5 में से है।
ओके चलिए अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं. इल्जिहा स्टार्टेड द मंथ विद अ कैश एट बैंक ऑफ 1780. तो अकाउंट का नाम क्या है? कैश एट बैंक. ठीक है. सो जो अब जरूरी नहीं है, देखो एक तो होता है कैश इन हैंड. कैश इन हैंड मतलब जो बिजनेस के पास कैश पड़ा है, नोट्स पड़े हैं बेसिकली. और एक अकाउंट होता है कैश इन बैंक. इसका क्या मतलब है? जो पैसा बैंक में पड़ा है, राइट. ये दोनों ही एसेट अकाउंट है, दोनों ही कैश अकाउंट है और एसेट अकाउंट है. तो कई बार कैश इन बैंक लिखा हुआ होगा, कई बार सिर्फ बैंक भी लिखा हुआ हो सकता है. ओके. व्हाट वाज द बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जून. तो पहले एक टी अकाउंट बना लो. डेबिट एंड क्रेडिट, कैश इन हैंड. ठीक है. अब इल्जिहा स्टार्टेड द मंथ विद अ कैश एट बैंक. इतना. अब कैश अकाउंट जो एसेट अकाउंट है वो क्या होता है? वो एक डेबिट अकाउंट है, राइट. कैश एक एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है. तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? ओपनिंग बैलेंस है इसका 1780. इल्जिहा विड्रू 200 पर वीक टू कवर लिविंग एक्सपेंसेस. पहले विड्रॉ करने की एंट्री करो, सबसे पहले एंट्री पास करो और फिर उसको इस अकाउंट में डालो. तो एंट्री क्या करी? विड्रॉ किया इसने. ठीक है. अच्छा सॉरी, ये कैश इन हैंड अकाउंट नहीं है, ये कैश इन बैंक है. तो बैंक से पैसे विड्रॉ करे, तो बैंक से पैसे विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी? कैश इन हैंड तो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा कैश इन बैंक. बैंक में पैसा कम हो गया, राइट. बैंक में पैसा कम हुआ और हाथ में आ गया वो पैसा, तो बैंक से निकल के हाथ में आ गया, इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा. और क्योंकि जो जो कैश है वो आपके हाथ में है अब, तो वो डेबिट हो जाएगा, राइट. तो अब क्या करोगे? 200 इंटू, अच्छा इसने क्या बोला? 200 पर वीक. तो 200 इंटू 4 कितना हुआ? 800. तो इसने पूरे जून के महीने में कितने विड्रॉ किए? $800, राइट. अब यहाँ पे कैश इन बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. ठीक है, क्रेडिट हो रहा है. तो यहाँ क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे कैश इन हैंड. रीजन है, रीजन हमेशा ऑपोजिट वाला होता है. ठीक है. तो जो नैरेटिव है वहां पे कैश इन हैंड आएगा और यहां पे लिखोगे 800. अ कस्टमर पेड, अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं. अ कस्टमर पेड फॉर गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 600 लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%. अच्छा, तो अभी 600 में से माइनस कर लो उसका 5%, कितना होता है? 570. तो मतलब कस्टमर ने इतना पे किया. अ कस्टमर पेड फॉर गुड्स. अब इसकी पहले एंट्री पास करो, एंट्री पहले पास करो. तो पे किया तो कैसे पे होगा? कैश इन बैंक. ठीक है. और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कस्टमर ने पे किया तो रिसीवेबल्स कम हो गए. रिसीवेबल्स भी हो सकता है. हाँ, रिसीवेबल्स हो जाएगा. कितना होगा? 570. ये एंट्री पास हुई. अब कैश इन बैंक यहां पे क्या हुआ है? डेबिट हुआ है. कैश इन बैंक यहां पे डेबिट हुआ है. तो यहां डेबिट साइड पे लिखोगे रिसीवेबल्स. कितना? 570. एन अमाउंट ऑफ 400 वॉज रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर. अच्छा एक सेकेंड. अ कस्टमर पेड फॉर गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस. ये कस्टमर पेड फॉर गुड्स ना, ये वाला एक्चुअली में डायरेक्ट सेल्स है. तो ये कैश इन बैंक क्रेडिट सेल्स होगा. ये डायरेक्ट सेल्स है. यहां रिसीवेबल्स नहीं आएगा, यहां सेल्स आएगा. ठीक है. अब एन अमाउंट ऑफ 400 वाज रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर. तो अब यहां पे क्या एंट्री होगी? डेबिट होगा कैश इन बैंक और क्रेडिट क्या होगा? रिसीवेबल्स. कितना सा? 400. ठीक है. अब यहां पे भी डेबिट हो रहा है तो यहां पे लिखोगे रिसीवेबल्स. रीजन इसका रिसीवेबल्स है और 400 इधर आ जाएगा. ओके. फोर्थ पॉइंट क्या है? बैंकिंग्स ऑफ 1200 फ्रॉम कैंटीन वेंडिंग मशीन्स. मतलब 1200 रुपए उसको कैंटीन रिसीट से मिले हैं. कैंटीन रिसीट से उसको 1200 रुपए मिले हैं, राइट. तो एंट्री क्या होगी? डेबिट होएगा कैश इन हैंड
1200, और क्रेडिट क्या होगा उसकी, कैंटीन रिसीट्स, मतलब उसकी कैंटीन की कुछ सेल्स हुई होंगी तो वहां से उसको 1200 मिले। ओके, सो यहां पे आप क्या कर दोगे, कैंटीन रिसीट्स कितनी 1200। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड अकाउंटिंग फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जून। अब इसके बाद इतना इतना पैसा डेबिट साइड पे ये 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 इसको मिला है और क्रेडिट साइड पे इतना उससे गया है, तो टोटल करो इसका कितना आता है। सो 1780 प्लस 570 प्लस 400 प्लस 1200 कितने होते हैं, इस साइड का टोटल है 3950। अब ये 3950 में से 800, अब इस तरफ आप क्या लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना हुआ, 3950 में से माइनस कर लो 800, 3150, 3150, और इधर आ जाएगा तुम्हारा, सामने होगा, दोनों आपस में आमने सामने होंगे, 3950। ठीक है, सो इतना क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इतना क्या हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो नेक्स्ट मंथ में डेबिट क्रेडिट यहां पे 1 जुलाई को ओपनिंग बैलेंस, सॉरी स्पेस थोड़ा कम है, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना होगा, 3150, ये अमाउंट आ जाएगा 3150। फाइन, डेबिट साइड पे क्वेश्चन ने यही पूछा है, व्हाट वाज द बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, कैरीड फॉरवर्ड कितना कैरी फॉरवर्ड किया, 3150, तो यहां आप 3150 लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, 3150 आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आफ्टर करेक्शंस व्हाट शुड बी द बैलेंस ऑन द फॉलोइंग अकाउंट, आफ्टर करेक्शंस व्हाट शुड बी द बैलेंस ऑन द फॉलोइंग अकाउंट। ओके, अब समझना है आपको, इसका मतलब यहां पे जो एंट्रीज पास हुई है ना वो गलत पास हुई है, तो हमें इन एंट्रीज को सही करना है। तो कैसे सही करोगे, एक एक जर्नल एंट्री को पहले समझो, उसके बाद करना। What should be the balance on the following account? मतलब इसका मतलब ये जो balance carry forward है ना, ये तो गलत है, तो हमें यही amount बताना है, तो ये 2745 नहीं है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, जब ये करेक्ट जगह पे होगा, जो डेबिट है वो डेबिट हुआ होगा, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट हुआ होगा। अब करते हैं, देखो यहाँ पहले ना जर्नल एंट्री बनाओ, हर की एक जर्नल एंट्री बनाओ और फिर उसको अकॉर्डिंगली डालो। मैं बेटर है इसको एक नई फ्रेश स्लाइड पे बताती हूँ आपको, ठीक है। ऊपर हम लेजर एंट्रीज बनाते हैं और यहां हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट है ये, ओके, ओपनिंग बैलेंस आता है इधर, बैंक हमारा एक डेबिट अकाउंट होता है, एक एसेट अकाउंट है, तो उसका जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है वो यूजुअली डेबिट होगा। अच्छा, ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट एट स्टार्ट ऑफ मंथ, अब क्वेश्चन ने बोला है ओवरड्राफ्ट है, जब ओवरड्राफ्ट होता है इसका मतलब बैंक का बैलेंस जो है वो नेगेटिव चल रहा है। ओवरड्राफ्ट में अगर क्वेश्चन लिखता है ओवरड्राफ्ट, तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है मतलब क्रेडिट चल रहा है। नेगेटिव को हम हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर दिखाते हैं, अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो, ठीक है, बट लेजर अकाउंट में वो क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। सो तो जो मैंने ये ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिखा है ना, ये यहां नहीं होगा, ये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। लेट्स प्रॉपरली मेक द अकाउंट, ये आएगा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1340, 1340, ठीक है। अब यहां लिखा है रिम्बर्समेंट ऑफ पेटी कैश फ्लोट, क्या मतलब है इसका, रिम्बर्समेंट ऑफ पेटी कैश फ्लोट का इसका मतलब, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है पुरानी क्लासेस में मैंने आपको बताया था
कि किसी बड़े कॉरपोरेट में क्या होता है, एक पेटी कैश अलॉट किया जाता है, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को पेटी कैश अलॉट किया जाता है। तो लेट्स से उनको बोलेंगे कि तुम्हारे महीने का पेटी कैश है 1000, तुम इस 1000 में से पर मंथ खर्चा करो, और फिर जितने भी तुमने एक्सपेंसेस किए हैं उसके इनवॉइसेस लाके तुम सब उसको दे दो, और बचे हुए के लिए तुमको रिमबर्स कर देंगे। तो लेट्स सपोज एचआर डिपार्टमेंट ने इस 1000 में से 450 रिमबर्स किया, 450 सॉरी एक्सपेंस किया, तो अब एचआर के पास कितना बचा, 550 बचा। तो नेक्स्ट मंथ, मान लो जून के मंथ में उन्होंने 450 खर्चा किया, तो जून जुलाई की 1 जुलाई को ये 550 उनके पास हाथ में ऑलरेडी पड़ा है, इसमें उनको रिमबर्स कर देंगे, उनको 450 रिमबर्स कर देंगे, और उनके पास 1 जून को वापस से, 1 जुलाई को उनके पास वापस से पूरे महीने के खर्चा करने के लिए $1000 होंगे। ठीक है, तो 1 जुलाई को उनको ये $1000 उनके हाथ में होंगे, तो उनको 450 क्या कर देंगे, रिमबर्स कर देंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है रिमबर्समेंट ऑफ पेटी कैश नोट। तो अब एंट्री बनाओ, एंट्री क्या होगी, तो इसका मतलब पेटी कैश बढ़ जाएगा, राइट? पेटी कैश बढ़ेगा और बैंक से पैसा कम हो जाएगा। बैंक से तो पैसा कम हो गया ना, बैंक से पैसा कम हुआ और पेटी कैश में पैसा चला गया, मतलब पैसा एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे चला गया, बट ये है तो दोनों ही एसेट, तो एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे कितना 45 आ जाएगा। तो बेसिकली बैंक क्या हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे पेटी कैश रिम्बर्समेंट। कितना आ जाएगा, 45। ओके, अब रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स ने पैसा दिया है आपको, एंट्री बनाओ पहले इसकी। एंट्री क्या बनेगी, कस्टमर्स से पैसा आया, इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो गए, कस्टमर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स, 4400, आई थिंक दैट वॉज द अमाउंट। ओके, सो एंट्री क्या पास होगी, डेबिट बैंक क्रेडिट कस्टमर। अब डेबिट बैंक हो रहा है, तो बैंक में डेबिट साइड पे नरेटिव में लिखोगे कस्टमर और इधर लिखोगे 4400। चलो, सो ये साइड हमने कवर कर लिया। अब इधर देखते हैं, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 50, पहले एंट्री पास करो परचेज, तो परचेज रिटर्न है, हमने कौन से गुड्स रिटर्न किए, जो हमने परचेज किए थे पहले। ठीक है, तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, परचेज रिटर्न क्या होएगा, क्रेडिट होएगा, परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो परचेज रिटर्न क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, कैश, कैश हमें वापस मिल जाएगा क्योंकि हमने पहले परचेज किए थे तो हमने कैश पे किया था, अब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। आप यही समझो ना, पहले आपने गुड्स खरीदे, अब आप उसको वापस कर रहे हो, वापस कर रहे हो तो आपको कैश वापस मिलेगा। कितना अमाउंट है, 50 50 50। तो ये हमने, ये कैश की जगह हमारा अमाउंट कहाँ आ गया, बैंक में आ गया, नहीं बट रिटर्न, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश या फिर बैंक। ओके, सो कैश या फिर बैंक, तो ये 50 यहाँ आ जाएगा, रीजन परचेज रिटर्न लिख देना। ओके, लेट्स गो फर्दर, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स, ये ठीक है। एंट्री देखो क्या बनती है, पेमेंट की, सप्लायर्स को पे किया ना, सो सप्लायर्स डेबिट हो जाएंगे और क्रेडिट क्या होएगा, बैंक होएगा। सिंपल सी बात है, सप्लायर्स हमारे क्रेडिट होते हैं, जब हम उनको पेमेंट कर देते हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं ना वो। अगर आपको लाइबिलिटी का रूल याद हो तो वो क्या बोलता है, क्रेडिट द इंक्रीज डेबिट द डिक्रीज, पेमेंट करने पे सप्लायर्स कम हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे, तो ये बैंक, ये ठीक है, ये वाला एंट्री ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स, तो ये एज इट इज यहाँ पे लिख दो, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स कितना है, 990। चलो लेट्स सी, रेंटल इनकम 1300 की, ये गलत है, क्यों भाई, इनकम की एंट्री क्या होती है, डेबिट बैंक पैसा आता है और क्रेडिट रेंटल इनकम, एक तरीके से सेल्स है, इनकम है, इनकम अकाउंट है, तो इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। कितना अमाउंट है, 1300, राइट, तो 1300 इधर आ जाएगा, तो ये रेंटल इनकम यहाँ आनी चाहिए,
तो रेंटल इनकम भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल 700, दिस इज फाइन, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइन। क्यों, पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा क्या है, एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट और क्रेडिट बैंक, पैसा जा रहा है ना तो वो क्रेडिट हो जाएगा, तो बैंक साइड पे, क्रेडिट साइड पे हम नैरेटिव में लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना अमाउंट है, हाउ मच वॉज द अमाउंट, आई थिंक 700, राइट। सो द 700 लिख दो, अब टोटल करो, सारे पॉइंट्स कवर हो गए, नाउ डू द टोटल। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ही निकालना है ना, क्वेश्चन ने क्या पूछा, व्हाट शुड बी द बैलेंस ऑन द फॉलोइंग अकाउंट, तो हमने सब कवर कर लिए, ये, अब ये बैलेंस हमें निकालना है, तो टोटल करो सारा, 4400 प्लस 50 प्लस 1300, सो दिस साइड इज गिविंग अस डेबिट साइड का टोटल कितना है, 5750, और क्रेडिट साइड का देखते हैं, 1340 प्लस 45 प्लस 990 प्लस 700, ये कितना आ रहा है, 3075। ओके, सो यहाँ पे आप लिखोगे कौन सा साइड कम है, क्रेडिट साइड कम है ना, तो जो साइड कम होता है वहां पे आपका क्लोजिंग बैलेंस होएगा, क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, इनका डिफरेंस, व्हाट विल बी द डिफरेंस, 2675, यहाँ लिखोगे 2675 और यहाँ लिखोगे बैलेंस ऑफ टोटल अमाउंट विच विल बी 5750 और 5750, और यही फिर यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा नेक्स्ट मंथ में, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। सो 2675 उधर आएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखोगे 2675। ओके, सो अगर लेज ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर एंट्रीज बनाने आती है और लेजर में सही तरीके से डालने आता है तो आप ये क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, वरना वन स्मॉल मिस्टेक, मान लो अगर आप ये रेंटल इनकम को, मान लो आपने बाकी सारे पॉइंट्स सही किए और आपने सिर्फ, चलो एक सिर्फ ओवरड्राफ्ट गलत रख दिया, ओवरड्राफ्ट को आपने सोचा कि भाई ओवरड्राफ्ट तो पॉजिटिव बैलेंस है और यहाँ डाल देता हूँ, तो भले आपने ये सारे पॉइंट्स पर सही क्यों ना करे हो, यू विल यूज योर एंटायर मार्क्स, आप 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाए आपके जाएंगे, ठीक है। सो बी केयरफुल एट ईच एंड एवरी स्टेप। चलो लेट्स मूव फर्दर। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये करते हैं, द पेटी कैश बैलेंस एट 30th November वॉज 25। अब क्या होता है, देखो जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, वहाँ पे एक अलग से यूजुअली कैश रूम होता है, जैसे आई रिमेम्बर व्हेन आई वॉज वर्किंग, तो हमारी कंपनी में एक सेपरेट कैश रूम हुआ करता था, ठीक है, और इस कैश रूम्स में बैठते हैं कैशियर्स, तो 2 कैशियर्स हुआ करते थे और एक पेटी कैशियर हुआ करता था, तो ये पेटी कैशियर क्या करता था, ये इसको एज पर जो भी मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन होता था, उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये हर डिपार्टमेंट को एक पेटी कैश अलॉट करता था, पेटी कैश अलॉट करता था पर मंथ, आई थिंक हमारे उसमें पर वीक का कुछ सीन था, तो वो पर वीक अलॉट करता था, और फिर जब रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इसके पास इनवॉइस लेकर आते थे तो वो रिम्बर्स कर देता था, राइट। तो वो एक पेटी कैशियर करता था, तो ऐसे ही क्या होता है, कैश अकाउंट बनता है और एक पेटी कैश अकाउंट भी बनता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कैश इन हैंड, ये वाला जो होता है ना, दिस इज टेकन केयर बाय देम, ऐसे कैश इन हैंड इज ऑल्सो टेकन केयर बाय देम, इनका काम होता है बैंक में सारे डिपॉजिट्स वगैरह कराना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक पेटी कैश अकाउंट बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज सही बनाने आती है तो लेजर में पोस्टिंग सही हो जाएगी, बट अगर जर्नल एंट्रीज गलत बनाओगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो द बैलेंस, पेटी कैश बैलेंस दे रहा है 30th November को, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द पेटी कैश फ्लोट एट 1st November। सो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है और क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है, पुराने क्वेश्चन में वो हमको बोल रहा था क्लोजिंग बैलेंस बताओ, ठीक है, अभी इसमें क्या बोल रहा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है और ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, क्लोजिंग बैलेंस लिख दो आप, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होगा इसका, क्रेडिट साइड पे होगा,
क्योंकि पेटी कैश अपने आप में एसेट अकाउंट है. एसेट अकाउंट में डेबिट साइड जो होता है वो इंक्रीज होता है और क्रेडिट साइड में डिक्रीज होता है. तो मैंने क्या बताया था, ऑपोजिट साइड पे जाता है. तो ओपनिंग बैलेंस जो होगा, अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा, राइट. तो ये वापस से डेबिट साइड पे चला जाएगा. तो क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे, इस साइड पे लिखेंगे, ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे. कितना है क्लोजिंग बैलेंस, 25. और ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे पास. हमारे पास इस महीने का ओपनिंग बैलेंस, 1 नवंबर का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, पर हमारे पास 1 दिसंबर का ओपनिंग बैलेंस है. कितना है वो 25, वो यहां से यहां आ जाएगा. ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं. रिफ्रेशमेंट्स वर परचेज एट अ कॉस्ट, अच्छा ये सारे ट्रांजैक्शंस हुए ड्यूरिंग द मंथ. रिफ्रेशमेंट्स वर परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 7.25. अच्छा अभी रिफ्रेशमेंट्स वर परचेज, तो एंट्री बनाओ क्या बनेगी, रिफ्रेशमेंट्स एक्सपेंस हो जाएगा. सो फर्स्ट की एंट्री क्या होगी, रिफ्रेशमेंट्स तो डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, पेटी कैश. भाई कैश तो जा रहा है, चाहे पेटी कैश जा रहा है चाहे नॉर्मल कैश जा रहा है, तो पेटी कैश क्रेडिट होएगा. फाइन, तो क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, रिफ्रेशमेंट्स लिख दोगे. कितना हो जाएगा, 7.25. नेक्स्ट, ट्रैवल एक्सपेंस ऑफ 12.75 वर रिम्बर्स टू एन एम्प्लॉय. ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय को शायद अलग से पेटी कैश दिया गया होगा तो वो उसको रिम्बर्स कर रहे हैं. तो सेम एंट्री, ट्रैवल एक्सपेंसेस डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, पेटी कैश. तो क्रेडिट साइड पे वापस से क्या आएगा, ट्रैवल एक्सपेंस कितना होगा, 12.75. ओके, थर्ड क्या है, क्लीनर वॉज पेड 15. ओके सेम, एक्सपेंस डेबिट, क्लीनिंग एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, कैश, पेटी कैश. यहां लिख दो ट्रैवल क्लीनिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 15. अब ये नहीं पता ना हमें, पर हमें ये पता है, तो यहां को बैलेंस करने के लिए इन सब का टोटल कर लो, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा. देखो टोटल करो क्या आता है, 7.25 प्लस 12.75 प्लस 15 प्लस 25, 60. कितना आ रहा है, 60. तो आपका ओपनिंग बैलेंस 60 था. जब आपका ओपनिंग बैलेंस 16 था तो आपने उससे ये तीन खर्चे किए और फिर ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ. अब यही क्लोजिंग बैलेंस आपका नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. सो 60 इज द करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है ये बाद में पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेते हैं. हाउ मच कैश वॉज पेड आउट एज कैश एक्सपेंस बाय पेटी कैशियर इन जुलाई. ठीक है, वो पूछ रहा है कि पेटी कैशियर ने कैश एक्सपेंस कितना किया होगा. ओके, इन द मंथ ऑफ जुलाई. अब एक काम करते हैं, पहले लेजर बना लेते हैं. इसको कर लो डेबिट, इधर लिख लो क्रेडिट. ओके, इग्नोशियस ऑपरेट्स द इम्प्रेसिड सिस्टम फॉर पेटी कैश. इम्प्रेसिड सिस्टम क्या होता है, रिम्बर्स करने वाला सिस्टम, जहां पे आप मंथ एंड पर रिम्बर्स कर देते हो. एट 1 जुलाई देर वॉज अ फ्लोट ऑफ 150. ठीक है, तो ये फ्लोट जो है ना, ये हमारा एक तरीके से ओपनिंग हो जाएगा 1 जुलाई को. बट इट वॉज डिसाइडेड टू इंक्रीज दिस टू 200 फ्रॉम 31 जुलाई ऑनवर्ड्स. ओके, तो इसका मतलब 1 जुलाई को 150 था, लेकिन 31st को 31st जुलाई को इन्होंने बोला कि नहीं भाई अब से 200 होगा. तो नेक्स्ट मंथ के लिए अगस्त के लिए 200 का होएगा सिस्टम. तो यहां पे 200 आएगा. ठीक है, ड्यूरिंग जुलाई द पेटी कैशियर रिसीव्ड 25 फ्रॉम स्टाफ फॉर यूजिंग द फोटोकॉपियर. अब इसने कैश रिसीव किया है तो डेबिट करो कैश
पेटी कैश। और क्रेडिट करोगे क्या? इनकम आ रही है ना, तो फोटोकॉपियर इनकम लिख दो। फोटोकॉपियर इनकम कितनी है? 25। तो डेबिट हो रहा है, तो यहां पे डेबिट साइड पे नैरेटिव में लिखो फोटोकॉपियर इनकम कितनी है? 25। एंड अ चेक ऑफ 90 वॉज कैश्ड फॉर एन एम्प्लॉय। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? एंड अ चेक ऑफ 90, ओके 90 क्या है? एंड एक वन सेकेंड, एंड अ चेक ऑफ 90 वॉज कैश्ड फॉर एन एम्प्लॉय। मतलब एक एम्प्लॉय को 90 का चेक दिया है, ठीक है? तो इसकी क्या एंट्री होगी भाई? बिजनेस से तो कैश किया है ना, सो आप लिख दोगे पेटी कैश। पेटी कैश यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट हो जाएगा आपका, ठीक है? क्योंकि आपने एम्प्लॉय को दिया है। बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपने बैंक पहले आपने चेक को पहले आपने चेक चेक को क्या कराया? इन कैश कराया, राइट? तो पेटी कैश क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? नहीं सॉरी, एक वन वन सेकेंड, यहाँ पे डेबिट होएगा जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी आपने यहाँ पे एक्चुअली क्लियर नहीं बता रखा हमको कि ये जो एम्प्लॉय को दे रहे हैं वो क्यों दे रखे हैं, किस पर्पस से दे रखे हैं। तो यहाँ पे डेबिट तो रहने दो, लेकिन क्रेडिट साइड पे यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट साइड पे यहाँ पे पेटी कैश जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि हमने एंड अ चेक ऑफ 90 वॉज कैश्ड फॉर एन एम्प्लॉय। तो हमने एम्प्लॉय को वो पेटी कैश दिया है, चेक दिया है या जो भी दिया है, बट पेटी कैश तो गया है, राइट? तो वो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। तो एम्प्लॉय यहाँ पर लिख दो, एम्प्लॉय को तो डेबिट की एम्प्लॉय को डेबिट किया तो नैरेटिव में तो एम्प्लॉय आ जाएगा, और क्रेडिट साइड पे यहाँ पे कितना अमाउंट है? 90, 90 आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या पूछा है? इन जुलाई चेक्स वर ड्रॉन फॉर 500 फॉर पेटी कैश। मतलब क्या हुआ इसका? इन जुलाई चेक्स वर ड्रॉन फॉर 500। तो इसका क्या मतलब हुआ? चेक्स वर ड्रॉन फॉर 500, इसका मतलब पेटी कैश में हमने 500 डाला है एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब पेटी कैश बढ़ गया, सो डेबिट होगा 500 यहाँ पे। ओके, डेबिट होएगा पेटी कैश, तो डेबिट होगा 500 से। और क्रेडिट क्या होगा? बैंक से निकाल के डाला है। चेक्स वर ड्रॉन मतलब बैंक से निकाल के हमने पेटी कैश में 500 डाला है, राइट? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बैंक लिख दो यहाँ पे 500। अब क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी है और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या नहीं है? कैश एक्सपेंस नहीं आया। सब कुछ लिख दिया हमने यहाँ पे कि भैया 25 हमको फोटोकॉपियर के पैसे मिले, 500 हमने बैंक में से निकाल के डाले, बट पेटी कैश का कितना एक्सपेंस हुआ है वो हमें नहीं पता, राइट? तो एक्सपेंस साइड कैसे जाएगा? सिंपल सी बात है, देखो एक्सपेंस होता है तो इसका मतलब एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? पेटी कैश क्रेडिट होगा क्योंकि पेटी कैश से दिया है, राइट? तो क्रेडिट साइड पे आप यहाँ पे लिखोगे एक्सपेंस। अब ये मिसिंग है आपका फिगर, ये फिगर जो है वो मिसिंग है, वो निकालना है। तो निकालो, आप पहले इसका टोटल करो, 150 प्लस 25 प्लस 500 कितना हुआ? 675। 675, अब 675 में से माइनस कर लो 90 और माइनस कर लो 200, कितना है? 385। तो एक्सपेंसेस कितने के हुए? 385 के एक्सपेंसेस हुए यहाँ पे, और ये 675 टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 385। थोड़ा सा मुश्किल था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ओपनिंग और क्लोजिंग तो हमको दे ही रखा था, तो मैंने आपको पहले कहा था कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा आएगा कि ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा होगा और बीच के कुछ फिगर्स मिसिंग होंगे, वो हमसे पूछ सकते हैं। वो जैसे इसी जगह एक्सपेंसेस की जगह वो हमसे पूछ सकते थे कि कैश रिसीट कितने का हुआ, पेटी कैश रिसीट कितना हुआ ड्यूरिंग द मंथ, और एक्सपेंस वो हमको दे सकते थे। चलिए अब हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा है व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो पेबल्स लेजर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पेबल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अगेन डेबिट क्रेडिट पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, पेबल अकाउंट है बेसिकली। अच्छा, एलिस्टर्स पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट हैज अ बैलेंस ऑफ
बैलेंस एट फर्स्ट अक्टूबर 2008 ऑफ $34,500. ओके, सो हमें ओपनिंग बैलेंस इज गिवन. ओपनिंग बैलेंस इज गिवन टू अस फॉर 34,500. देन द क्वेश्चन सेज, ओ सॉरी अपोलोजीज, ये गलत है, वापस से करते हैं. डेबिट एंड क्रेडिट, पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस. ये पेबल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नेचर क्या होता है उसका, लाइबिलिटी. देखिए ये चीज ध्यान रखिए, अगर एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, राइट. तो कभी भी एसेट अकाउंट में जो यूजुअली ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड पे आते हैं. और लाइबिलिटीज एक तरीके से पेबल अकाउंट है, पेबल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस यूजुअली कहाँ होते हैं, क्रेडिट बैलेंस पे होते हैं, क्रेडिट साइड पे होते हैं. बट कभी कभार एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं, जैसे जैसे लेट्स से एसेट केस में हम बात करते हैं बैंक. तो अगर बैंक बैलेंस की बात करें तो बैंक बैलेंस कहाँ होता है, ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट साइड पे आएगा. बट अगर मैं इसी जगह बैंक ओडी की बात करूं तो ओडी एक एक्सेप्शनल केस हो गया, ओडी ओवरड्राफ्ट, तो मुझे बैंक को पे करना है वो, तो वो क्रेडिट साइड पे रहेगा उसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है. तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, पेबल का अकाउंट है, राइट. तो इसीलिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड पे रहेगा. कितना है, 34,500 ऑफ 34,500 क्रेडिट. जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको क्रेडिट दे, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. इस क्वेश्चन में ऑल्दो क्रेडिट दे रखा है. अब ड्यूरिंग अक्टूबर क्रेडिट परचेजेस वर 78,400, पहले एंट्री बनाओ. डेबिट परचेजेस ठीक है, अब परचेजेस डेबिट होएगा और क्रेडिट क्या होएगा, क्रेडिट होंगे हमारे सप्लायर्स या पेबल्स. तो सप्लायर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे यू विल राइट परचेजेस नैरेटिव में और अमाउंट लिख लो. कितना है, 78,400. अच्छा, क्रेडिट परचेजेस हमको दे रखी है, फिर हमको दे रखा है कैश परचेजेस. अब एंट्री करना कैश परचेजेस की. डेबिट परचेजेस, क्रेडिट कैश, कैश जा रहा है बिजनेस से, परचेज एक्सपेंस है 2,400. यहाँ पे अब एक बात बताओ, कहीं पे भी पेबल्स आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये एंट्री नहीं रिकॉर्ड होगी इसमें. ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो ये मत रिकॉर्ड कर देना. एंड पेमेंट्स मेड टू सप्लायर्स एक्सक्लूडिंग कैश परचेजेस एंड आफ्टर डिडक्टिंग सेटलमेंट डिस्काउंट्स ऑफ 1200 वर 68,900. अब एक्सक्लूडिंग बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग कैश परचेजेस, ठीक है. तो हमसे पूछ रहा है कि हमने पेमेंट करी है, कैश परचेजेस के बिना दे रहा है और सेटलमेंट डिस्काउंट के भी बाद दे रहा है. तो बेसिकली हमने कितना पेमेंट किया, एंट्री करो. एंट्री होगी इसकी डेबिट पेबल्स और क्रेडिट कैश, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं. कितने से एंट्री होगी, 68,900. एंड आफ्टर डिडक्टिंग सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 1200. तो इसका मतलब सेटलमेंट डिस्काउंट भी आएगा यहां पे, सेटलमेंट डिस्काउंट भी आएगा यहां पे. वन सेकेंड, देयर इज नो स्पेस एक्चुअली. भाई ये तो हुआ ही हुआ, और देखो हम एंट्री करते तो हम क्या करते हैं, डेबिट पेबल क्रेडिट कैश एंड क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड. परचेज के केस में क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है ना, तो डिस्काउंट रिसीव कितना का था, 1200 का था, और ये कितने का है, 68,900. और यहाँ पे आप टोटल लिख देंगे, आप दोनों एंट्रीज को अलग अलग भी कर सकते हैं. सो बेसिकली 68,900 प्लस 1200 इज हाउ मच, 7,100, ठीक है. तो ये भी आएगा यहाँ पे. तो पेबल्स डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे आप लिखेंगे एक तो कैश पेड
कितना पे किया? 68,900, एंड देन यू विल राइट डिस्काउंट रिसीव्ड, हाउ मच? 1200. ओके, अब परचेज रिटर्न कितने के हैं? 4700 के. परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? परचेज रिटर्न की एंट्री बनाओ. डेबिट पेबल्स होता है, राइट? और क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट परचेज रिटर्न होता है. तो डेबिट साइड पे आप लिखोगे परचेज रिटर्न. रीजन हमेशा ऑपोजिट साइड वाला देते हैं हम. परचेज रिटर्न कितना है? 4700. सो राइट इट. ओके, अब टोटल देखते हैं. 68,900 प्लस 1200 प्लस, सॉरी, 68,900 प्लस 1200 प्लस 4700 विल गिव यू 74,800. ठीक है, अब ये साइड, वो साइड का कैलकुलेशन करो. 34,500 प्लस 78,400 कितना आ रहा है? यहाँ इसका टोटल आ रहा है 112,900. तो इन दोनों का डिफरेंस, 112,900 और 74,800 का डिफरेंस कितना है? 38,100. तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा. कितना? 38,100. और यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे. टोटल कितना है? 112,900. और बैलेंस करने के लिए डबल लाइंस. ठीक है, तो यहां पे आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 38,100. चलिए, लेट्स मूव फर्दर. अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. पुराने क्वेश्चन में क्या था? पुराने क्वेश्चन में पेबल्स था, और अब क्या है? रिसीवेबल्स है. वापस से लेजर बनेगा रिसीवेबल्स. अब रिसीवेबल्स एसेट है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे रहता है? डेबिट साइड पे रहता है. ओके, एट द एंड पूछ रहा है डेबिट क्रेडिट रिसीवेबल्स. The increase in receivables ledger control account for the first accounting period. अब क्योंकि ये first accounting period है, अभी अभी first time business चालू हुआ है, तो इसलिए कोई opening balance नहीं है इसका. Directly sales की entry से शुरू कर दिया. तो entry क्या है इसकी? First accounting period है. अगर ये second accounting period होता तो receivables में opening balance होता, but पहली बार शुरू किया है, पुराना business नहीं है, first time शुरू हुआ है, first year है उसका accounting का, इसलिए रिसीवेबल्स और पेबल्स पे उसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है. बट क्लोजिंग बैलेंस जरूर होगा, क्योंकि वही बैलेंस उसका नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होएगा. द एंट्रीज इन रिसीवेबल्स लेजर. अच्छा, अब सेल्स बोल रहा है. सिंपल है, फटाफट सेल्स की एंट्री बनाओ. डेबिट हाउ मच? डेबिट रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स. तो हमारा रिसीवेबल्स डेबिट हो रहा है, तो डेबिट के नैरेटिव में लिखोगे सेल्स हाउ मच? 250,000. ओके, सेकेंड है बैंक, इसका मतलब पैसे मिले हैं रिसीवेबल से. सो डेबिट बैंक, क्रेडिट रिसीवेबल्स. बैंक भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है. क्वेश्चन ने बैंक बोला है, तो आप बैंक लिखिए. तो रिसीवेबल्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखो बैंक. और कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? 225,000. देन पूछ रहा है रिटर्न्स. रिटर्न्स की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न की. सेल्स रिटर्न होता है डेबिट सेल्स रिटर्न और क्रेडिट. क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट रिसीवेबल्स हो गए. तो रिसीवेबल्स जब क्रेडिट हो रहे हैं, तो वहां पे नैरेटिव में लिखोगे सेल्स रिटर्न. कितना? 2500. इररिकवरेबल डेट्स. इररिकवरेबल डेट्स की एंट्री क्या होती है? डेबिट होएगा. रिसीवेबल्स कम कर रहे हैं और बाकी इररिकवरेबल डेट हमारा एक्सपेंस होता है, तो इररिकवरेबल डेट को करो डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है. और क्रेडिट, एक्सपेंस तो बढ़ गया ना बिजनेस का, इसलिए डेबिट. और क्रेडिट करोगे रिसीवेबल्स. रिसीवेबल्स जब कम होते हैं तो वो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं 3000 से. तो क्रेडिट साइड पे इररिकवरेबल डेट लिखो 3000 से. नेक्स्ट पढ़ो रिटर्न्ड अनपेड चेक. रिटर्न्ड अनपेड चेक ये क्या है? इसका ये मतलब है, रिटर्न्ड अनपेड चेक का मतलब ये है कि हमने, हमें उसने चेक दिए होंगे हमारे कस्टमर्स ने, ठीक है, और वो हमने उन्हें रिटर्न कर दिए. ठीक है, तो
उन्होंने हमें चेक्स दिए होंगे, जब हम देखो सिंपल सी बात है, चेक्स अगर वर्ड यूज होता है तो हम बैंक वर्ड यूज करके एक बार इसकी एंट्री बनाते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, जब उसने हमें चेक दिए होंगे तो हमने क्या एंट्री करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किया होगा रिसीवेबल्स, भाई उसने हमें चेक दे दिया, अब हम उसको कभी भी बैंक में लगा सकते हैं, वो हमारी इच्छा, हम उसको इन कैश कराते हैं, बट हो सकता है उसने बैंक चेक में डेट गलत डाली है या उसने कुछ नाम गलत लिखा है, तो हमने उसे वो वापस कर दिए, तो हमने उसे वापस से रिसीवेबल्स को वापस कर दिए ये चेक, तो अब हम उसकी वापस से वही एंट्री कर देंगे, डेबिट रिसीवेबल्स कर देंगे और क्रेडिट बैंक कर देंगे, या अनपेड रिटर्न अनपेड चेक लिख देंगे, तो हमारे रिसीवेबल्स वापस बढ़ जाएंगे, भाई जब हमारे रिसीवेबल्स ने हमको चेक दे दिए थे तो हमने रिसीवेबल्स बुक्स में कम कर दिए, बट हमें देखना, जब हमने ढंग से देखा तो यार वो चेक गलत है, गलत बनाई है उसने चेक, कोई भी एक्स वाई जेड रीजन है, गलत चेक बनाया, तो हमने उसे वापस रिटर्न कर दिया वो चेक, तो जब हमने उसे वापस रिटर्न कर दिए तो वो रिसीवेबल्स वापस से बढ़ गए, पहले हमारे रिसीवेबल्स डेबिट थे, फिर हमारे रिसीवेबल्स क्रेडिट हुए क्योंकि वो कम हो गए, क्योंकि उसने हमें चेक्स दे दिए थे, पर हमने चेक किया ढंग से तो चेक सही नहीं थे, तो वापस से वो डेबिट हो जाएंगे क्योंकि हमने उन्हें चेक वापस कर दिए, राइट। तो जब बेसिकली उन्होंने हमें चेक्स दिए थे तो हमने उसे बैंक में कंसिडर कर लिया था कि भैया हम चेक्स उसने हमें दे दिए, इसका मतलब हम वो बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ये तो हमने उसमें बैंक में पैसा बढ़ा दिया था, डेबिट कर दिया था बैंक के अकाउंट में, ठीक है, लेकिन जब हमने उसे वापस किए तो हमने वापस से बैंक में पैसा कम कर दिया, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्योंकि रिसीवेबल्स वापस से डेबिट हो रहे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक और लिख देना रिटर्न चेक्स। सी, ये जो आप अभी लेजर बना रहे हैं ये आप सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बना रहे हैं, आपसे क्योंकि आपका सीबीई एग्जाम है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कोई मतलब नहीं बनता आपकी वर्किंग्स में आप क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते, आपका ये जो अमाउंट है ये करेक्ट होना चाहिए, योर नंबर्स इज बेस्ड ऑन दिस अमाउंट, बाकी ये सब कुछ मैटर नहीं करता, ये सब मैं आपको करा रही हूँ क्योंकि ये आपको फ्यूचर में काम आएंगे, जो आप जब आप F7 करोगे ये आपको तब काम आएगा, जब आप P2 करेंगे आपको ये तब काम आएगा, प्रोफेशनल पेपर में काम आएगा और अप्लाइड स्किल्स वाले पेपर में काम आएगा, ठीक है, यहाँ ये कुछ भी काम का नहीं है, यहाँ सिर्फ आपका आंसर ठीक होना चाहिए, तो फॉर्मेट क्या है कैसे है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन अपने पर्पस से कर रहे हो तो आप नॉर्मल प्लस माइनस भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है ये टी बनाओ और फिर आप देखो, नहीं, ये आपकी वर्किंग है, ये आप पे डिपेंड करता है, बट क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब ढंग से अंडरस्टैंड कीजिए, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर टी अकाउंट के साथ एक एक एंट्री बनवा के और फिर उस एंट्री की अप्रोप्रिएट लेजर में पोस्टिंग बता रही हूँ, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पे आप लिख देना रिटर्न चेक्स, कितना आ जाएगा 3500। ओके, अब कॉन्ट्रा पेबल लेजर अकाउंट, कॉन्ट्रा ये क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉन्ट्रा एंट्री में क्या हो रहा है, हम एक पेबल को एक रिसीवेबल के साथ नेट ऑफ कर रहे हैं। अब क्या है कि हमारा एक लेट सपोज सप्लायर है एबीसी लिमिटेड, अब ये एबीसी लिमिटेड जो है वो हमें, वो हमारा सप्लायर भी है, मान लो वो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और फिर वो हमसे हमारा ही फिनिश प्रोडक्ट लेता है, तो इसका मतलब ये हमारा सप्लायर भी है और ये हमारा कस्टमर भी है, तो जो हमें इसको पेबल था वो हम इसको नेट ऑफ कर रहे हैं, जो हमें इससे रिसीवेबल है, तो इसके साथ हमारा पेबल भी चलेगा और इसके साथ हमारा रिसीवेबल अकाउंट भी चलेगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, रिसीवेबल और पेबल को आपस में नेट ऑफ कर रहे हैं, तो हम पेबल को कम कर रहे हैं क्योंकि पेबल है हमें इसको ये, राइट, पेबल है और ऐसे ही हमें इससे रिसीवेबल होगा, तो हम इसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या बनेगी, डेबिट हो जाएगा रिसीवेबल और क्रेडिट हो जाएगा पेबल, तो हमने इसका पेबल कम कर दिया, जो हमें इससे पेबल था वो हमने कम कर दिया और जो हमें इससे रिसीवेबल था वो हमने कम कर दिया, तो रिसीवेबल जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, पेबल जब कम होता है तो वो डेबिट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4000, ठीक है। अब यहाँ पे रिसीवेबल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना 4000, अब करो इसका सबका टोटल, सो इस डेबिट साइड का टोटल कितना है 253500 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 225,000 प्लस 2,500 प्लस 3,000 प्लस 4,000 234,500। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो ये 19,000 यहां आएगा, कम वाली साइड पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस,
19,000, और यहाँ आप लिख दो 253,500, 253,500। ये सारी आपकी वर्किंग्स है, मैं अभी बता रही हूँ आपको। एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछ रहा, एग्जाम में सिर्फ आपका फाइनल आंसर करेक्ट होना चाहिए। टू सॉरी यहाँ पे आएगा 19,000। ओके, सिर्फ आपका फाइनल आंसर ये 19,000 करेक्ट होना चाहिए। आप कुछ भी एक्स वाई जेड वर्किंग कर लो, शेड्यूल्स बना लो, कुछ मतलब नहीं है। आपको सिर्फ उस टाइम फ्रेम के अंदर, 2 घंटे के अंदर आपका पेपर सॉल्व होना चाहिए और सही सॉल्व होना चाहिए। दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। चलो लेट्स मूव फर्दर। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉट इज सिमरन्स इम्प्रेसिव अमाउंट। मैं पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेती हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, फिर मैं क्वेश्चन पे प्रोसीड करती हूँ। ओके, सिमरन यूजेस द इम्प्रेसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर पेटी कैश। ओके, शी काउंटेड द पेटी कैश एंड देयर वॉज 66 इन हैंड। देर वर ऑल्सो फॉलोइंग पेटी कैश वाउचर्स, सन्ड्री परचेजेस, लोन टू सेल्स मैनेजर, परचेज ऑफ स्टफ ड्रिंक्स, सन्ड्री सेल्स रिसीट्स। ओके, अब इसमें शी काउंटेड द कैश एंड देर वॉज 66। तो ये जो 66 है ना, ये इसका इन हैंड बचा है ड्यूरिंग द ईयर खर्चा करने के बाद। तो बेसिकली हमसे ये पूछ रहे हैं कि उसका इनिशियली इम्प्रेसिव अमाउंट कितना था। भाई आपको मैंने क्या बताया था, पेटी कैश में आपको हर महीने एक अमाउंट अलॉट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेसिव अमाउंट। कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको, पेटी कैश अमाउंट जो भी है। फिर इसके बाद आप ड्यूरिंग द ईयर खर्चे करते हो, कुछ रिसीव भी होता है बाहर से वो आप ऐड कर दोगे, और फिर आपके पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा, भाई महीने में खर्चा करने के बाद इतना बचा, और बाकी जो आपका इम्प्रेसिव अमाउंट होता है उसको टॉपअप कर दिया जाता है। जो आपका बैलेंस अमाउंट है उससे आपको टॉपअप कर दिया जाएगा ताकि आपका जो इम्प्रेसिव अमाउंट है, जो इनिशियल अमाउंट है, वो वापस से आ जाए। ठीक है, तो हमको ये बोला है कि भाई 66 बचता है उसके पास। ठीक है भैया, उसके पास 66 बचता है, तो हम 66 मान लेते हैं उसके बाद हाथ में बचता है सारा खर्चा करने के बाद। हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं पता कितना है उसका, ये हमारे लिए मिसिंग है। अब सन्ड्री परचेज, सन्ड्री का क्या मतलब होता है, खूब सारी मल्टीपल परचेजेस हुई होंगी ड्यूरिंग द मंथ वट एवर। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट परचेजेस, क्रेडिट कैश, कैश गया, कैश क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, ये पेटी कैश अकाउंट है हमारा, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आप लिख दो परचेजेस कितना है 22। लोन टू सेल्स मैनेजर, ओके, डेबिट लोन, क्रेडिट कैश। लोन क्यों डेबिट हुआ, लोन रिसीवेबल है एक तरीके से, हमने लोन दिया है तो हमें रिसीव करना है ना वो $10 का छोटा सा लोन दिया है हमने, उसने मांगे होंगे, दे दिया हमने, तो हमने उसको लोन बोल दिया। तो ये जो डेबिट है ना, ये लोन डेबिट होगा, वाई, बिकॉज इट इज अ रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिख दो लोन टू, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पेटी कैश की लोन टू मैनेजर लिख लो, सेल्स मैनेजर $10। परचेज ऑफ स्टाफ ड्रिंक्स, खर्चा किया है हमने, स्टाफ ड्रिंक्स एक्सपेंस हो गया, स्टाफ ड्रिंक्स अकाउंट डेबिट टू टू क्रेडिट क्या होएगा, कैश, पेटी कैश क्रेडिट होएगा। तो पेटी कैश की क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे स्टाफ ड्रिंक्स कितनी 19 से। सन्ड्री सेल्स रिसीट, सन्ड्री सेल्स रिसीट, सन्ड्री सेल्स रिसीट क्या होती है, डेबिट क्रेडिट करो एक बार, पेटी कैश मिला है, कैश हमारे पास आ रहा है और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, तो पेटी कैश में आप ये सेल्स वाला फिगर जो है ये आप माइनस कर लेंगे 47। आप टोटल देखो कितना हुआ, इसका टोटल देखो एक बार, 66 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 10, हाउ मच, 117, 117 आ गया। अब इस 117 में से यहाँ पे 47 है, सो 117 माइनस 47 विल गिव यू 70, सो ओपनिंग बैलेंस 70 होगा, और यहाँ पे लिख दो आप 170, सो हियर यू राइट 70, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज हमने काफी सारे लेजर के क्वेश्चंस करे,
और ये लेजर अकाउंट बनाना बहुत, सी आप डायरेक्टली प्लस माइनस भी कर सकते हैं, बट आप अगर लेजर अकाउंट बनाते हैं और हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री सोच के उसको सही लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग। जब मैं लेजर एक एंट्री बना के उसको लेजर में डालती हूँ सही डेबिट क्रेडिट साइड पे, तो देन इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। और उसकी सही पोस्टिंग करेंगे तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जो भी आपकी मिसिंग वैल्यू है वो सही आ जाएगी, राइट? बट अगर आप नॉर्मल प्लस माइनस करते हैं तो हाई चांसेस हैं कि आप गलती कर लें। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगी कि जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक टी अकाउंट बनाइए, ओपनिंग बैलेंस देखिए, क्लोजिंग बैलेंस देखिए, क्वेश्चन ने क्या पूछा है। कभी कभार क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस पूछती है, कभी कभार क्वेश्चन क्लोजिंग बैलेंस पूछेगी, कभी कभार क्वेश्चन बीच का कोई वैल्यू मिसिंग होगा वो पूछेगी, ठीक है? आप अपनी बुक में देखिएगा, और भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। कापलान की जो रीडिंग रीडिंग टेक्स्ट है उसमें पीछे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज वो क्वेश्चंस कीजिए अपने आप। और फिर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, और प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अब लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास नाउ, बाय बाय, थैंक यू।